समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव गिरफ्तार। सपा नेता रामेश्वर यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप। एटा के सपा नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर यादव को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। जिला पंचायत चुनाव से पहले ही सपा के पूर्व विधायक और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। उसके बाद जब फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार बनी तो उन पर शिकंजा कसना और तेजी के साथ शुरू हो गया। अवैध रूप से करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में दोनों भाइयों पर 18 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। उसके बाद से दोनों सपा नेताओं के ठिकानों पर पुलिस की दबिश का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन दोनों नेता ना तो गिरफ्तार हुए और ना ही अदालत में हाजिर हुए। जिसके बाद 31 मई को गैंगस्टर अधिनियम न्यायालय से उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस जारी होने के बाद इन दोनों नेताओं के एटा और जैथरा स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कराए गए, लेकिन अब पुलिस ने रामेश्वर सिंह को आगरा से गिरफ्तार करके एटा लाया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में रामेश्वर सिंह यादव अलीगंज विधानसभा से और जुगेंद्र सिंह यादव एटा सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों भाइयों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।